नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब पॉलिटेक्निक के बच्चे करेंगे ड्रोन की पढ़ाई। भूमि विवाद के मामलों में अब हाईटेक तरीके से निपटेगी पुलिस। बिहार में अब पॉलिटेक्निक के बच्चे करेंगे ड्रोन की पढ़ाई। बिहार की गर्मी पर सरकार की नजर, जल्द ही हो सकती हैं छुट्टियां। कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर सरकार ने जारी किया बड़ा फैसला। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अब पॉलिटेक्निक के बच्चे करेंगे ड्रोन की पढ़ाई। जिस ड्रोन का इस्तेमाल बिहार सरकार इन दिनों शराबी और शराब बेचने वालों को पकड़ने में कर रही है, अब उसी ड्रोन की पढ़ाई बिहार के पॉलिटेक्निक के बच्चे करने वाले हैं। इसके साथ ही छात्र अब रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कोर्सेज की पढ़ाई करेंगे। इसके लिए राज्य के 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज को अलग अलग सेक्टर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है। यानी कि अब इन कॉलेजों में बच्चों को नए उभरते टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलेगी, उन्हें प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बिहार की गर्मी पर सरकार की नजर, जल्द ही हो सकती है छुट्टियां। बिहार में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी का आकलन कर छुट्टियों की चर्चा भी अब तेज हो गई है, जिसके बाद ही अब बिहार में गर्मी को लेकर स्कूल संचालन के सवाल पर राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार में जारी भीषण गर्मी और तापमान के बढ़ने का आकलन किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से परामर्श कर सही समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। मीडिया के इस सवाल पर कि क्या मौजूदा गर्मी और तापमान को देखते हुए राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी पहले कर दी जाएगी, शिक्षा मंत्री ने इस पर कहा कि गर्मी की छुट्टी को लेकर तत्काल सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ड्यूटी पर जख्मी होने वाले पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा इलाज का पूरा खर्च। अब ड्यूटी के दौरान वैसे पुलिसकर्मी जो जख्मी हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं होगी। यानी कि ड्यूटी पर जख्मी होने पर पुलिसकर्मियों को मिलने वाला खर्च अब नहीं मिलने वाला है। यानी कि अब पुलिसकर्मियों के इलाज पर हुआ पूरा खर्च वापस नहीं मिलेगा। उन्हें भी बाकी सरकारी कर्मियों की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तय दरों से ही राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि इस दर से ज्यादा की राशि इलाज पर खर्च होती है तो भी उन्हें वही रकम वापस की जाएगी जो तय दर के अनुसार बनती है। मुख्यालय के अनुसार संशोधन के इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी नहीं मिली। विभाग ने साल 2015 और 17 के दो संकल्पों का जिक्र करते हुए ऑन ड्यूटी जख्मी या जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को अन्य सरकारी कर्मियों की तरह चिकित्सा में व्यय की राशि के नियमानुसार भुगतान की सलाह दी है। टेलीमेडिसिन में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने नाम हर दिन के साथ नए नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार ने टेलीमेडिसिन में नया रिकॉर्ड बना दिया। डॉक्टरों ने एक दिन में टेलीमेडिसिन में 53,000 मरीजों का इलाज कर इतिहास बना दिया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यह रिकॉर्ड बिहार को देश में दूसरा स्थान दिलाएगा। स्वास्थ्य विभाग के 16 अप्रैल का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा कहा जाने वाले बिहार ने यह साबित कर दिया है कि मॉडर्न चिकित्सा में कई गुना आगे है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ई संजीवनी से बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। इस रिकॉर्ड ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्र में भी मरीजों की शहर के डॉक्टर बेहतर ढंग से इलाज कर रहे हैं। सीबीएसई की परीक्षा में 45 मिनट पहले स्कूलों को मिल जाएगा प्रश्न पत्र। सीबीएसई की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। जल्द ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके तहत ही बोर्ड ने परीक्षा को लेकर मिनट टू मिनट स्केड्यूल भी भेजा है। बोर्ड की माने तो परीक्षा हॉल परीक्षा के समय से 45 मिनट पहले खोल देना होगा। 9:45 से परीक्षा केंद्र खुल जाएंगे। वहीं आंसर बुक को 10 से 10:15 के बीच में बांटा जाएगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को सवाल पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 10:30 से परीक्षार्थी लिखना शुरू कर सकते हैं। बोर्ड ने प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहा कि परीक्षा के शुरू होने से 45 मिनट पहले स्कूलों में प्रश्न पत्र पहुंचेगा। रोहतास के पायलट बाबा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के सासाराम में पायलट बाबा धाम की खासियत यह है कि यहां परिसर में सभी धर्मों को स्थान दिया गया है। आश्रम परिसर में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यहां सोमनाथ मंदिर का नजारा देखने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ लगती है। हालांकि यह मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 110 फीट ऊंची भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा है। इस परिसर में भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा के साथ उनके जीवन में घटित सभी घटनाओं का चित्रण किया गया है, जो भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। दरभंगा जिले में 4,000 टन मखाने का उत्पादन, मिलेगा पीएम अवार्ड।
बिहार का दरभंगा जिला मखाना उत्पादन के लिए देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि दरभंगा जिले में 875 तालाबों में हर साल लगभग 4000 टन मखाने का उत्पादन हो रहा है। जिले में मखाने के उत्पादन और प्रसंस्करण के करीब 1.25 लाख परिवार जुड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार का कोई न कोई उत्पाद देश दुनिया की थाली में पहुंचे। उनके इस सपने को साकार करने में मिथिला का स्वास्थ्यवर्धक मखाना सबसे बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। कोरोना काल में बाहर से ही लौटे श्रमिकों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में 550 श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर मखाना उद्योग में लगाया गया है। राज्य सरकार के समेकित प्रयासों का ही सुफल है कि केंद्र सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाने के उत्पादन और विकास के लिए दरभंगा जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए चुना गया है। यह अवार्ड आज नई दिल्ली में दिया जाएगा। गया की ज्योतिका पासवान ने बढ़ाया बिहार का मान। मुंगेर की सनाया यादव के बाद अब गया की रहने वाली ज्योतिका पासवान ने बिहार का मान बढ़ाया है। ज्योतिका पासवान जी गंगा पर प्रसारित होने वाले शो मेम साहब नंबर वन चलनी के चालल बबुनी की विनर बनकर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करती देखी गई है। ज्योतिका को चमचमाती ट्रॉफी के साथ ही इनाम में 5 लाख रूपए नगद भी मिले हैं। उन्हें ये अवार्ड भोजपुरी की फेमस अभिनेत्री रानी चैटर्जी ने दिया। ये शो चर्चित बिग बॉस शो की तर्ज पर बनाया गया है। आपको बता दें कि मुंगेर की बेटी सनाया यादव ने हाल ही में मिस्टर एंड मिस स्टार रॉयल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता की विनर बनकर अपने जिले का नाम रोशन किया है, साथ ही बिहार का नाम भी देश में रोशन किया है। सनाया यादव ने अपनी खूबसूरती से पूरा भारत को अपना मुरीद बना दिया। बिहार के 216 पुलिस थानों में भेजे जाएंगे बड़े अफसर। पुलिस मुख्यालय ने थाना स्तर पर लंबित कांडों की जांच में जल्द ही तेजी लाने की उम्मीद जताई है, क्योंकि इन पुलिस थानों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 28 वरीय पुलिस अधिकारियों को नामित किया गया है। ये अफसर इन 216 थानों का दौरा कर लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाएंगे। राज्य के कुल 1096 थानों में ऐसे 216 थाने चिन्हित किए गए हैं जहां पर 2/3 समस्याएं और कांड लंबित है। डीजीपी एस के सिंघल की अध्यक्षता में हाल ही में सभी क्षेत्र और जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। डीजीपी ने तय किए गए 28 अफसरों के जरिए थाना स्तर पर अपराध अनुसंधान, गिरफ्तारी, लंबित कांडों, भूमि विवाद और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मिर्जा रफीउद्दीन राजबेग की। मिर्जा रफीउद्दीन राजबेग एक पाकिस्तानी कवि हैं। उन्होंने 1988 में दीदाए खुश ख्वाब का अपना पहला खंड प्रकाशित किया और उसके बाद बिनाई पैराहने फिक्र, रोशनी के खंड ओखल और अभी दरिया में पानी है उनकी अंतिम पुस्तक इतनी तमाजत किस लिए थी 2007 में प्रकाशित हुई। राज का जन्म बेगूसराय भारत में हुआ था। उनके पिता फरीदुद्दीन बेग का परिवार दरभंगा से था और उनकी मां हाजरा बिहार राज्य के दोनों जिलों बेगूसराय में थी। मुस्लिम हाई स्कूल लहरिया सराय में जाने से पहले उन्होंने बीपीएचई स्कूल बेगूसराय में पढ़ाई की, लेकिन 1945 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उन्हें अपने पिता के बड़े भाई हमीउद्दीन बेग के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली ने वरिष्ठ सचिवालय सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी एएसओ, व्यक्तिगत सहायक, आशुलिपिक तकनीकी सहायक, वरिष्ठ टेक्नीशियन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सहायक, बागवानी पर्यवेक्षक, सहायक निदेशक, कानूनी निदेशक के कुल मिलाकर 276 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमएस ऑफिस के अच्छे ज्ञान के साथ स्नातक और अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग, शॉर्ट हैंड समेत अन्य योग्यता का होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारे द्वारा बताए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। इसके साथ ही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भी अंतिम तारीख 9 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के सरकारी क्रय केंद्र पर बेच सकते हैं गेहूं, चना और मसूर। बिहार के सबसे बड़े प्रदेश में गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीद जल्द ही शुरू होने वाली है। कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से तीनों अनाज की खरीद 31 मई तक की जाएगी। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने बीते दिन इसको लेकर बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर प्रदेश में 10 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि एक दिलचस्प और किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक गेहूं की कीमत खुले बाजार में मिल रही है। ज्ञात हो चना और मसूर की खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर क्रय केंद्र की स्थापना करते हुए देखा गया है।
इंटर और मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में होंगे इतने छात्र शामिल। इंटर और मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 के हर केंद्र पर उड़न दस्ते की व्यवस्था कर दी गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। साथ ही परीक्षा में प्रदेश भर में 15,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इसमें कंपार्टमेंटल में ही 8,000 से अधिक परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं अब परीक्षा 25 अप्रैल से 4 मई तक होगी। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन 5 से 9 मई तक किया जाएगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जानकारी दे दी है। बिहार में करोड़ों का हुआ धान घोटाला, अब होगी कार्रवाई। बिहार में करोड़ों का धान घोटाला होने की खबर सामने आई है। हालांकि ये घोटाला कोई आज या कल की बात नहीं है, बल्कि पिछले 11 साल से बिहार में ये खेल चल रहा है, लेकिन बिहार की सोई सरकार अब जाकर एक्शन में आई है। बिहार में 1573 करोड़ रुपए के 74 लाख टन धान का घोटाला हुआ है। ये चारा घोटाला की तरह ही निकला है। दरअसल बिहार में 2011 में 2014 तक अधिप्राप्ति किए गए करोड़ों के धान और गेहूं के गबन को लेकर 117 पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दोषी पदाधिकारियों में कृषि विभाग के कई पदाधिकारी शामिल है। इसके अलावा कई प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी समेत कुछ अभियंता भी सूची में शामिल है। हैरानी की बात यह है कि 11 साल बीतने के बाद कृषि विभाग एक्शन में दिख रहा है, लेकिन अब तक पुलिस विभाग की तरफ से कुछ भी साफ नहीं हुआ है। भूमि विवाद के मामलों में अब हाईटेक तरीके से निपटेगी पुलिस। बिहार में पुलिस को हाईटेक बनाने का काम होने वाला है। इसी के तहत अब पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में सक्षम हो, इसके लिए बिहार सरकार कई योजनाएं चलाकर पुलिस को हाईटेक बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीते दिन पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर विद्यार्थी विकास के नेतृत्व में बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भूमि विवाद से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत बढ़ रहे भूमि विवाद का निष्पादन किया जा सके। इस प्रशिक्षण की शुरुआत 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक की गई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बिहार के 40 पुलिस पदाधिकारी ट्रेनिंग लेते देखे गए। बिहार में गर्मी का सितम जारी। बिहार में गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गर्मी का सितम इतना तेज है कि आम नागरिकों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार में अलर्ट जारी किया है कि 9 जिलों में गर्म पछुआ हवाओं की वजह से तापमान 43 डिग्री के पार जा सकता है। आईएमडी के वैज्ञानिक का कहना है कि बक्सर के साथ साथ सासाराम में पछुआ का ज्यादा प्रवाह है। इसके कारण यहां का टेम्परेचर 46 डिग्री अभी रिकॉर्ड किया गया, जो बिहार में सबसे अधिक है। अगले सप्ताह से राहत मिलने की हालांकि उम्मीद है। ज्यादा गर्मी में सावधानी बरतने की अपील की गई है। अनावश्यक बाहर नहीं निकले, लिक्विड अधिक से अधिक ले, स्थिति खराब हो तो सदर अस्पताल या फिर सभी पीएचसी में अलग अलग व्यवस्था की गई है, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर सरकार ने जारी किया बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन एक्सई की भारत में एंट्री हो गई है। इसके साथ ही चौथी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। कई शहरों में संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि संक्रमण की जद में बच्चों का प्रतिशत पिछली बार से अधिक है। अब तक किए गए शोध के अनुसार वायरस का नया वेरियंट पहले आए सभी वेरियंट से अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। इसी बीच बिहार में भी सरकार ने पूरी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि हर दिन इस पर नजर रखी जाए। साथ ही अब कोविड 19 की चौथी लहर की संभावनाओं को देखते हुए जिलों में नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नोडल पदाधिकारी के पद पर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा स्तर के पदाधिकारी को तैनात किया गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। यूक्रेन से लौटे बिहारी छात्र को रूस ने दिया ऑफर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का सीधा असर वहां की जनता पर पड़ा है, जिसके चलते मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर लौटे बिहार के छात्रों के पास यूक्रेन के पड़ोसी देश से पढ़ाई पूरी करने का ऑफर मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि रूस के विश्वविद्यालयों ने छात्रों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय बच्चों को न केवल पढ़ाई पूरी करने का ऑफर दे रहा है, बल्कि वीजा दिलाने में भी मदद का आश्वासन दे रहा है। इस वापस लौटे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारों की माने तो यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज में जिस माध्यम से छात्रों ने एडमिशन लिए थे, उसी ने संपर्क किए हैं। छात्रों की माने तो फिलहाल तो यूक्रेन के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। तेजस्वी ने बिहार से गरीबी और बेरोजगारी हटाने की खाई कसम। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की जैसे ही तेजस्वी ने बीते दिन दिल की बात बिहारवासियों से की, जिसके तहत ही उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार और शिक्षा की अव्यवस्था को दूर करके रहेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने आगे लिखा कि साथियों, आए दिन ये पढ़कर दुख और हैरानी होती है कि लगातार 17 वर्षों से नीतीश भाजपा सरकार होने के बावजूद नीति आयोग, एनएचआरएम, एनएचएम, सीएमआईई, एनसीआरबी, सीएजी और अन्य मानक संस्थाओं की रिपोर्ट्स और सूचकांकों में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और विधि व्यवस्था सहित अन्य क्षेत्र में बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य है। अमित शाह रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दे जवाब।
जल्द ही बिहार दौरे पर देश के गृहमंत्री अमित शाह आने वाले हैं। उनके आगमन पर अभी से ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत ही बीते दिन राजद ने अमित शाह के आगमन पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत राजद की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश के गृहमंत्री बिहार आ रहे हैं, उन्हें बिहार की जनता को बताना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार कब तक मिलेगा। उनकी पार्टी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। उन्हें गृहमंत्री की हैसियत से बिहार में बढ़ रहे अपराध पर राज्य सरकार से जवाब मांगना चाहिए। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य बदल रही है, वो चाहे उपचुनाव में साबित हुआ है कि राजद ए टू जेड की पार्टी है। बिहार में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। बिहार सरकार बगैर किसी पहचान कार्ड और अवैध तरीके से राज्य में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला रही है, क्योंकि अब ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें जेल भेजने का काम होने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनके ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान ये दावा किया है कि उन्हें अपने विभाग के अधिकारियों के द्वारा या अन्य स्रोतों से ये जानकारी मिल रही है कि बॉर्डर से सटे इलाके में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अवैध ठिकानों पर जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल खान लोधी 1451 में दिल्ली का शासक बना। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की जान ली गई। बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी बने। भारतीय वायुसेना के संजय थापर को 1996 में पैराशूट के जरिए उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया। बांग्लादेश में भारतीय जवानों की नृशंस जान लेने पर 2001 में भारत ने कड़ा विरोध जताया। 1924 में 1961 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारत के पहले निशानेबाज करणी सिंह का जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानकी वल्लभ पटनायक का 2015 में आज ही के दिन मृत्यु हुआ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक साल फ्री। वोडाफोन आइडिया देश का तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर ग्राहक के लिए 5 ऐसे प्रीपेड प्लान पेश कर रहा है जो एक साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का OTT बेनिफिट प्रदान करेगा। प्लान पिछले कुछ समय से ऑफर पर है और उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल प्लान की तलाश कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि VI द्वारा पेश किया गया कोई भी प्रीपेड प्लान डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ नहीं आता। वोडाफोन आइडिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन के साथ 5 प्रीपेड प्लान पेश करता है, जिसमें 499 रुपए, 901 रुपए, 601 रुपए, 166 रुपए और 399 रुपए के प्लान शामिल है। प्रशांत किशोर की हो गई कांग्रेस में एंट्री। कई चुनावी पार्टियों को सत्ता में बिठाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री पक्की हो गई है। लगातार कांग्रेस आलाकमान और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ चल रही बैठक नया रंग ले आई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री तय हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में आने के लिए मुहर लगा दी है। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रशांत किशोर को कांग्रेस के महासचिव का रोल दिया जा सकता है, वो स्ट्रेटजी और अलायंस पर काम करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से रौंदा। कोविड-19 मामलों से प्रभावित दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को जहां गेंदबाजों की बदौलत पंजाब किंग्स को कम स्कोर पर समेटने के बाद डेविड वार्नर के नाबाद 60 रनों के अर्धशतक की मदद से 9 विकेट की आसान जीत दर्ज की। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने पहले अपने स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी की मदद से पंजाब किंग्स को महज 115 रन के स्कोर पर समेट दिया। फिर सलामी बल्लेबाज वार्नर और पृथ्वी शॉ 41 रनों के आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी निभाते देखे गए। इससे टीम ने आसानी से 10.3 ओवर में 1 विकेट पर 119 रन बनाकर जीत हासिल की। वार्नर ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद में चौके के लिए भेजकर टीम को अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंचा दिया, जिसकी यह 6 मुकाबले में तीसरी जीत रही। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबिता यादव, गौतम कुमार, अभिमन्यु कुमार, प्रिया यादव, सुरेंद्र कुमार, बीरू प्रसाद, अमित रंगाभीगा, सौरभ मिश्रा, अमरजीत कुमार, रवि कुमार, संतोष कुमार, सिकंदर कुमार, प्रकाश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास बिहार सरकार की तरफ से सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त की गई है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।